15,000 रुपए का ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जहां पर आपको काफी धुरंधर वाले फोन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे तो 5G वाला हो। मैं आपको 5 ऐसे फोन बताऊंगा जो मेरे हिसाब से अच्छे वाले हैं। यदि आपके दिमाग में कोई और फोन हो तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, भर देना और बताना आपको कौन सा फोन कमाल का लग रहा है, फोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चैनल में पहली बार पधारे हो भाई, सब्सक्राइब पक्का कर ले रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें नंबर के फोन की, यहाँ पर है Realme का 11X। देखिए यहाँ पर आपको जो चीजें मिल रही है सेम वही चीजें हैं नार्जो के 60X में। एक फोन है यार Flipkart के पास, दूसरा है Amazon के पास। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का Dimensity 6100+। MediaTek वालों ने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं जो रीब्रांड वाले हैं, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में ये प्रोसेसर इंडिया में लॉन्च हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ ठीक है परफॉर्मेंस। बैक का जो डिजाइन है ये तो मुझे थोड़ा सा अलग फील करा रहा है। जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी आपको कमाल का लग सकता है। आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, बॉक्सी वाला यार डिजाइन है। बड़ी वाली बैटरी है 5000 mAh की, 33 वॉट का आपको चार्जर मिल जाता है, 50 MP का मेन सेंसर है जो आपको कमाल की फोटो दे देगा, लेकिन 5G के चक्कर में कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। ओवरऑल देखा जाए Realme के 11X या तो नार्जो 60X की तरफ आप जा सकते हैं। फोन में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अब आपके सामने। अब चलते 4th नंबर के फोन की तरफ, यहां पर है Infinix का Note 35G। ये फोन भी है नया वाला है, यहां पर भी आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है 6080। मैं तो इतना कहूंगा परफॉर्मेंस में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, 5G यार अच्छे से काम कर जाता है। जो आप गेम वेम खेलेंगे इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप मॉडरेट सेटिंग में खेलते हैं। डबल स्पीकर है वो भी JBL वाले, यार स्पीकर काफी ज्यादा लाउड है, NFC का सपोर्ट भी मिल रहा है। Infinix वाले आज की डेट में डिजाइन में काम कर रहे हैं, बस यार सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ये जो ब्रांड है मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में और भी काफी खतरनाक वाले फोन लॉन्च कर सकता है। आपको याद है Infinix का 035G जो काफी तगड़ा वाला बिका है, लेकिन उस फोन का जो प्राइस है वो ज्यादा है। आगे की तरफ 120Hz का फुल LG प्लस वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले कमाल का है, लेकिन आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये थोड़ी सी ज्यादा होती तो यार और भी चमकदार फोन लगता, लेकिन डिजाइन आपको पसंद आने वाला है, बड़ा डिस्प्ले है। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको बड़ा डिस्प्ले वाला फोन पसंद आता है, तो इस फोन का जो डिस्प्ले है ये आपको यार पसंद आने वाला है। बस एक ही सजेशन दूंगा, कोई भी फोन आप बाय करें सबसे पहले बैक कवर लगा के ही फोन को यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम फोनों में बैक में प्लास्टिक ही मिलता है। आगे की तरफ एनर्जी की प्रोडक्शन है, कृपया करके टेम्पर्ड ग्लास भी पक्का लगवा लीजिएगा। 108 MP वाले से जो आप फोटो निकालेंगे या वो सुंदर लगेगी, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। ओवरऑल देखा जाए Infinix का Note 35G जिस प्राइस ब्रैकेट में अभी मिल रहा है उसके आधार पे आप बाय कर सकते हैं। फोन में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अब आपके सामने है। क्या कहते हैं Infinix का Note 35G, क्या कमाल का डिवाइस है। अब चलते 3rd नंबर के फोन की तरफ, यहां पर है टेक्नो का पोवा 5 प्रो। इस फोन में वही वाला प्रोसेसर है जो Infinix के Note 35G में है, मतलब MediaTek का Dimensity 6080। बेंचमार्क स्कोर आपके सामने, फोन में कोई भी टोटल इशू है नहीं और भाई ये फोन गर्म भी नहीं होता है, मतलब परफॉर्मेंस ठीक आपको मिल जाएगी। 120Hz का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, यहां पर भी घर के अंदर डिस्प्ले आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बाहर आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन इस फोन का जो डिजाइन है ये मुझे काफी अलग लगता है और काफी नया वाला फील कराता है। जो पीछे की तरफ लाइट लगी हुई है ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, डिजाइन में कोई भी कमी नहीं है। बैक में 50 MP वाले से जो आप फोटो निकालेंगे ये भी आपको सुंदर लगेगी, लेकिन इस फोन में भी कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। पता नहीं यार 5G के चक्कर में ब्रांड अल्ट्रा वाइड वाले सेंसर से क्यों कंडी काट ले जाते हैं। हटाना है तो भैया 2 MP को हटा दो। इस फोन में भी डबल स्पीकर है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 68W का जो आपके फोन को फटाफट चार्ज कर देगा। इनका जो UI है ये भी आपको निराश नहीं करने वाला है, कोई भी ग्लिच नहीं है। यदि आपको टेक्नो का फोन लेना है आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, फोन में बहुत बड़ी वाली कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अब आपके सामने है। हम पहुंच चुके हैं नंबर 2 फोन की तरफ और यहां पर जो फोन है ये है पोको का X5। देखिए आपको कमाल का डिस्प्ले लेना है वो भी AMOLED, तो इस फोन का जो डिस्प्ले है ये आपको काफी बिंदास लगने वाला है। 120Hz का AMOLED वाला है, आउटडोर जो विजिबिलिटी है ये भी काफी शानदार है,
गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। डिस्प्ले में तो यार ये फोन आपको जचने वाला है। बैक का जो डिजाइन है इसमें भी यार मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 695। देखिए ये प्रोसेसर बहुत पहले बहुत सारे फोनों में आ चुका है, 5G वाला प्रोसेसर है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, जैसे 4K वाले वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई भी आपको विकल्प नहीं मिलता है और ना तो YouTube में आप HDR वाली चीजें देख सकते हैं। जिन जिन फोनों में ये प्रोसेसर है सब में सेम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। बैक में 48 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है, फोटो भी यार आपको लल्लन टॉप लगेगी, बैटरी है 5000 mAh की और जो चार्जर है वो है 33 वॉट का। ओवरऑल देखा जाए पोको के X5 Pro में कोई भी बहुत बड़ी वाली कमी नहीं है। और जो UI है यार ये तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन UI में कोई भी ग्लिच नहीं है, भले थोड़ी सी इधर उधर वाली एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाए। यदि आपको पोको का X5 लेना है जिस प्राइस ब्रैकेट में अभी मिल रहा है उसके आधार पर आप जा सकते हैं फोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है अब आपके सामने है। अब बारी नंबर 14 की, यहाँ पर है मोटो का नया वाला G54 5G। यहाँ पर MediaTek का Dimensity 7020 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। मेरी लिस्ट में 4 MediaTek वाले फोन थे, एक केवल Snapdragon के साथ आता है। मुझे ऐसा लग रहा है Snapdragon को यार सस्ते रेट में और भी काफी कमाल कमाल के प्रोसेसर लॉन्च करने चाहिए। ये जो प्रोसेसर है ये सही से काम कर रहा है, बेंचमार्क स्कोर आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, फोन में कोई भी टोटल इश्यू नहीं है, जरा सा फोन हीट होता है, कुछ कुछ लोगों ने ये कंप्लेन करी है, लेकिन मेरे पास जो यूनिट है वहां पर ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। इस फोन में बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है वो आपको काफी शानदार वाली फोटो दे देगा विद OIS। इस प्राइस ब्रैकेट में इकलौता यही फोन आता है जहां पर आपको इतने स्टेबल वाले वीडियो मिल रहे हैं वो भी OIS के साथ, मतलब कैमरे के हिसाब से 15,000 रुपए में ये फोन काफी शानदार है। इसका डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल में आ चुका है। आगे की तरफ 120Hz का फुल HD+ वाला डिस्प्ले, डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, ऊपर की तरफ पंचोल है, नीचे की तरफ जो बेजल सना है ये थोड़े से ज्यादा किसी किसी को लग सकते हैं। आगे की तरफ टेम्पर्ड ग्लास पक्का लगवा लीजिएगा क्योंकि कोई भी गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ UI है। लेकिन जो अपडेट मिलेगा ना वो केवल एक एंड्रॉयड का मिलेगा, अभी एंड्रॉयड 13 में है, 14 तक चला जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 33 वॉट का, लेकिन ये फोन सपोर्ट करता है 30 वॉट की चार्जिंग को, लेकिन जो बैटरी है वो है 6000 mAh की, बिंदास आपका 1.5 दिन चल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए मोटो का G54 5G नंबर 1 के हिसाब से बहुत कुछ दे जाता है, फोन में क्या अच्छा है क्या बुरा है अब आपके सामने है। जो फोन मुझे अच्छे लग रहे थे सबके बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अभी भी आपके दिमाग में कोई और डाउट है, कोई और फोन के बारे में आप बताना चाहते हैं नीचे कमेंट करिए। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।